नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे जो हमारी रेलवे स्पेशल साइंस, जिसके अंतर्गत हम NTPC और ग्रुप डी के साइंस के क्वेश्चन जो कि रेलवे द्वारा पिछले 4 से 5 सालों में पूछे गए हैं वो देख रहे हैं। उसके अंतर्गत आज हम हमारा 23वें नंबर का वीडियो देखेंगे। इसके पहले मैं 22 वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखे तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त ऊपर यहाँ पर आई का बटन दे रखा है, जैसे ही आप आई के बटन पर क्लिक करेंगे जितने भी वीडियो बनाए गए हैं रेलवे स्पेशल साइंस के लिए या फिर GK GS के मॉडल पेपर आपको नीचे खुल जाएंगे, आप वहाँ से हमारे सारे वीडियो देख सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स से मैं बोलना चाहता हूँ कि ये सभी प्रश्न 25 जो प्रश्न मैं बताने वाला हूँ आपको साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि अभी 4 से 5 सालों में यही प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं। कुछ प्रश्न मॉडल पेपर्स में जो कि प्लेलिस्ट में मैंने बनाया है जितने वीडियो में रिपीट किए जा रहे हैं, जो प्रश्न रिपीट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका रिवीजन हो जाए इसलिए हम 2 से 4 क्वेश्चन हर वीडियो के अंतर्गत रिपीटेड डालते हैं, इसलिए आप उन प्रश्नों को भी ध्यान से देखिए। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स अपने अपने RRB जोन का नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, क्योंकि आपको आखिरी में ये जरूर बताना है कि आपको 25 में से कितने मार्क्स प्राप्त हुए, मतलब आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर सही थे, जिससे ये पता पड़ेगा कि किस जोन में किस स्टूडेंट की तैयारी कैसी चल रही, कितना कॉम्पिटिशन रहेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है वह अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, आपको बताना है जो अनुवांशिक यूनिट होते हैं जिन्हें हम जीन भी कहते हैं वो किस में होते हैं। तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी गुणसूत्रों में, किस में होते हैं, गुणसूत्रों में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, आपको बताना है कि इनमें से किसमें प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सोयाबीन, किसमें पाया जाता है सबसे अधिक प्रोटीन, सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका है, आपको बताना है कि जो यहाँ पर कण दे रखे हैं अगर ये सभी कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे होते हैं तो सबसे अधिक संवेग किसका होता है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं वीडियो पसंद आता तो डेली की तरह 1 लाइक सभी स्टूडेंट कर दीजिए, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी आपके स्टडी के ग्रुप हैं व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सभी में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और जो स्टूडेंट नया है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अक्रिय गैस यौगिक बना सकती है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ज़ीनॉन, कौन सी गैस बना सकती है, ज़ीनॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है, आपको इनमें बताना है कि इनमें से कौन सा कोशिकांग DNA रखता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सेंट्रियोल, कौन सा होता है, सेंट्रियोल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फ्यूज तार किससे बनती है, आपको बताना जो फ्यूज तार होता है वो किससे बनता है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी टीन और शीशे की मिश्र धातु, जो टीन और शीशे की मिश्र धातु होती है उससे ही फ्यूज तार बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है, आपको बताना जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध होता है वो किसका निष्कर्ष है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, कौन सा होता है, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रेयॉन के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज, किसका प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है, आपको बताना है कि इनमें से किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता किंतु प्रचक्रण होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी न्यूट्रिनो, किसमें होता है, न्यूट्रिनो में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं, आपको बताना जो फोटोग्राफी में मुख्य रंग इनमें से कौन से होते हैं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाल नीला और हरा, कौन से होते हैं, लाल नीला और हरा होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है, आपको बताना है कि इन अम्लों में से कौन सा खनिज अम्ल है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कौन सा होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में होता है खनिज अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, आपको बताना है कि हिस्टोलॉजी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेयर, किसने किया था, मेयर ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, आपको वह सीमा बतानी है जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, जो डेसिबल की जो तीव्रता होती है उसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता, उसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 95 डेसिबल, 95 डेसिबल के ऊपर जो मनुष्य होता है वह सुन नहीं सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है, किसे अवशोषित करती है। तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट विकिरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनको जो वायुमंडल में जो ओजोन परत होती है वो अवशोषित कर लेती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंडज स्तनीय, आपको बताने कि इनमें से कौन सा अंडज स्तनीय है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मोनोट्रीम, मोनोट्रीम होता है वो स्तनीय श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
मीना माता रोग का कारण है, आपको बताना है कि मीना माता रोग का क्या कारण है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। क्या कारण है मीना माता रोग का? कैडमियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपको बताना है जो हाइड्रोमीटर यंत्र होता है वो किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता। जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उसे नापने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है इसका। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन सा है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ढोल। जो ढोल है वह विलोपन की कगार पर है और सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, आपको बताना है कि कौन सी गैस का वनस्पति के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का वनस्पति के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है, आपको बताना है कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज की मात्रा। क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज की मात्रा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कीटों द्वारा परागित फूलों के परागकण होते हैं, आपको बताना है जो कीटों द्वारा परागित फूलों के जो परागकण कैसे होते हैं? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रुख छोड़ चिपचिप होते हैं। कैसे होते हैं? रुख छोड़ चिपचिप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? आपको बताना जो आणविक कक्षा का अभिन्यास होता है वो किससे नियंत्रित होता है? तो उसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चुंबकीय क्वांटम संख्या। किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम क्या है? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर में डायबिटीज मेलिटस। क्या कहते हैं उसे? डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंडरा टेंडन जोड़ता है, आपको बताना है जो कंडरा होता है वो किसे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पेशी को हड्डी से। जो पेशी को हड्डी से जोड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कंडरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है, आपको बताना है इनमें से किसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गाजर में। किसमें होता है? गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों आज मैंने आपको विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए। आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता है। जितने भी क्वेश्चन के आंसर पता आप बताइएगा और अपने RRB जोन का नाम भी लिख दीजिए, जिससे कि हमको यह पता पड़ जाएगा कि किस जोन में कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। व्हाट्सएप और टेलीग्राम जितने भी आपके स्टडी ग्रुप है उनमें शेयर कर दो। जो स्टूडेंट नया है सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।